أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. صدق الله العظيم. 27वां पारा सूरह नजम आयत नंबर 31 और 32। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला देंगे और नेक लोगों को उनकी अच्छाई का बदला देंगे। अब नेक लोग कौन से हैं? तो फरमाया कि नेक लोग वो हैं जो बड़े गुनाहों से और ख़ास तौर पर बेहयाई के कामों से बचते हैं। जिन चीज़ों को शरीयत ने फ़र्ज़ वाजिब करार दिया है उनको छोड़ना भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, और जिन चीज़ों को शरीयत ने हराम मकरूह तहरीमी बताया है उनको करना भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इल्ला लमम, कि अगर किसी ने किसी गुनाह का इरादा किया, कबीरा गुनाह का, उसके लिए कुछ इकदाम कर लिया, कुछ तैयारी कर ली, लेकिन फिर अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से उस गुनाह को छोड़ दिया, तो अब ये जो उसने तैयारी की थी, वैसे तो गुनाह की तैयारी भी गुनाह है ना, इस पर उसको गुनाह होना था, लेकिन जब अल्लाह के खौफ से उसने गुनाह को छोड़ दिया और उस तैयारी को फिर तर्क कर दिया तो ये अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। मसलन किसी ने किसी को कत्ल करने का इरादा किया, मंसूबा बना लिया, फिर कत्ल जिस चीज़ से करना था वो चीज़ भी ले ली, अब चल भी पड़ा, लेकिन फिर ये दिल में ख्याल आया कि कितना बड़ा गुनाह है किसी को ना हक कत्ल करना, तो बस इस ख्याल की वजह से रुक गया। तो ये जो उसने कत्ल के लिए तैयारी की थी इसकी माफ़ी की उम्मीद है। अल्लाह ताला की शान इतनी बड़ी है कि इंसान को अल्लाह ताला की मामूली सी नाफरमानी को भी बड़ा गुनाह ही समझना चाहिए, क्योंकि इंसान का नफ्स जो है वो उसको ऐसे बहलाता है कि जब इंसान ये सोचता है कि ये तो छोटा गुनाह है तो फिर उस पर वो दलेर हो जाता है, और छोटे गुनाह पर दलेर होना भी उसको बड़ा गुनाह बना देता है, या किसी चीज़ को हकीर समझना या किसी छोटे गुनाह की आदत बना लेना भी उसको बड़ा गुनाह बना देता है। तो नफ्स तो चाहता है कि इसको मैं बड़े से बड़े गुनाह में मुबतला करूँ, इसलिए किसी भी गुनाह को छोटा समझ के करना नहीं चाहिए और किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी हर नीचे वाला गुनाह ऊपर वाले गुनाह से छोटा है और हर ऊपर वाला गुनाह नीचे वाले गुनाह के एतबार से बड़ा होता है, न जाने वहाँ कौन से गुनाह पे पकड़ हो जाए। तो इसलिए ये बहुत नामुनासिब सोच है कि ये छोटा गुनाह है, चलो कोई बात नहीं, इसको किए रखो। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाएं और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उनका रंग काला होता है, आंखें नीली होती हैं, काला रंग, आंखें नीली, डरावना मंज़र। उनमें से एक को मुनकर कहा जाता है, दूसरे को नकीर। वो आकर मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछते हैं कि क्या तुम इस शख्सियत को जानते हो? तो अगर वो ईमान वाला होता है तो वो कहता है जी बिल्कुल, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो वो दोनों कहते हैं हाँ, हमें पता था कि तुम यही जवाब दोगे, क्योंकि उनको अल्लाह ने भेजा होता है कि ये मोमिन बंदा है, इसके पास जाओ।
फिर उसके बाद उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, खुला कर दिया जाता है। 70 हाथ, 70 हाथ दाएं, 70 हाथ बाएं, 70 हाथ आगे, 70 हाथ पीछे, इतनी कब्र कुशादा हो जाती है। फिर उसको कहा जाता है कि आप आराम से लेट जाओ और कब्र उसकी रोशन कर दी जाती है, अंधेरी नहीं रहती। वो कहता है अच्छा मैं अपने घर वालों को जाके बताऊँ कि मेरे तो इतना अच्छा। फरिश्ते कहते हैं नहीं, यहाँ से वापसी का कोई कानून नहीं है, अब बस यहीं रहना है। और अगर वो बंदा कोई काफिर या मुनाफिक होता है तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि ये शख्सियत कौन है। वो कहता है हाँ मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कुछ पता नहीं, लोग जैसे कहते थे मैं लोगों से सुनता था वैसे ही कहता रहता था, पता मुझे कुछ नहीं। फरिश्ते कहते हैं हाँ हमें मालूम था कि तू यही जवाब देगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को हुक्म होता है, ज़मीन उसको दोनों तरफ से दबा देती है, इस तरह दबा देती है कि उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं, जैसे इंसान अपने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों के दरमियान दाखिल कर देता है। फिर वो क़्यामत तक उसी तरह रहता है और अल्लाह ताला उसको फिर क़्यामत के दिन वहाँ से उठाते हैं। तो कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आँख बंद होते ही उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर किस्म के आज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें आखिरत की सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात 2.5% होती है, 100 में से 2.5, 200 में से 5, ये बनता है 40वां हिस्सा। तो जितनी भी रकम की मालियत की ज़कात निकालनी हो उसकी सारी मालियत लिख लें और उसको 40 पर तकसीम कर लें, जो जवाब आएगा उतनी ज़कात निकालनी है। किसी ने 10 लाख की ज़कात निकालनी है तो वो 10 लाख को 40 पे तकसीम कर ले, जो जवाब आए बस उतनी ज़कात देनी है। ये आसान सा हिसाब है, कैलकुलेटर होता है हर किसी के पास, मोबाइल में होता है कैलकुलेटर, वैसे मिल जाता है। वैसे भी बग़ैर कैलकुलेटर के भी हिसाब हो सकता है, कागज़ पर भी हो सकता है। तो जितना भी किसी की मालियत है उसको 40 पे तकसीम करें और वो ज़कात देनी है। अब एक आदमी ने ज़कात देनी है, उसकी ज़कात बन रही है 5 लाख रुपए। अब वो एक ही बंदे को देगा तो वो अगला बंदा ख़ुद साहिब निसाब हो जाएगा जिसको दे रहा है। तो इतना किसी को इकट्ठा नहीं देना चाहिए। हाँ इतना सामान दे सकते हैं क्योंकि सामान से कोई साहिब निसाब नहीं बनता। एक आदमी ने शादी करनी है बेटी की है, उसको घरेलू ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसको आप सामान ख़रीद कर दे दें तो वो ठीक है, या आप कुछ पैसे दें वो सामान ख़रीद ले, या आप उसको कहें भाई तुम सामान ख़रीद लो फिर उसको पैसे दे दें वो उसे अपना वो कर्ज़ा उतार दे, ऐसे तो ठीक है। लेकिन इकट्ठे उसको इतने पैसे दे देना कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाए, ये मकरूह है, मकरूह। लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो ज़कात बहरहाल उसकी अदा हो जाएगी। फिर ज़कात एक ही बंदे को देना या कई बंदों को देना, या कई बंदों की ज़कात मिला के एक ही बंदे को देना, हर तरह ठीक है। एक आदमी की ज़कात बनती है 10,000, दूसरे की बनती है 20,000, तीसरे की बनती है 5,000, तीनों ने मिला के एक ही बंदे को ज़कात दे दी तो भी ठीक है। एक बंदे की ज़कात बनती है 50,000, उसने 10,000 पाँच आदमियों को दे दी तो वो भी ठीक है। लेकिन ज़रूरतमंद को जब ज़कात दी जा रही है तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसकी वक्ती ज़रूरत अगर आपकी रकम से पूरी हो सकती है तो इतनी रकम उसको दे दें कि उसको फिर किसी और के दरवाजे पर ना जाना पड़े, उसको किसी और से ना मांगना पड़े। मजबूरी में वो आया है, अब उसकी एक हाजत है और आपकी ज़कात इतनी है कि उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, फिर खामखा कंजूसी करना और उसको थोड़ा देना ये ठीक नहीं है, ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और उसको दूसरे दरवाजे पर मांगने के लिए ना जाना पड़े, ये बेहतर है। ज़कात अदा करते हुए बताना ज़रूरी नहीं होता
किसी को कह दिया ये आपका इनाम है या आपकी ईदी है, लेकिन देते वक्त दिल में नीयत थी कि ये ज़कात है, तो भी अदा हो जाएगी। इसी तरह ज़कात की रकम से किसी को ज़मीन ख़रीद के दे दी, मकान बनवा के दे दिया, कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीद कर दे दी, तो भी ज़कात हो जाती है।